साथियों, जब भी कोर्ट मैरिज की बात होती है तो बीच में एक शब्द जरूर आता है कि क्या कोर्ट मैरिज आर्य समाज के मंदिर के थ्रू होगी। तो साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज का मंदिर आपके लिए एक विवाह का एक नॉर्मल प्रमाण पत्र हो सकता है, लेकिन आपके लिए आगे जाकर एक लीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है। आप केवल आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट लेकर ये सोचते हैं कि हमारा विवाह पूर्ण हो गया और हमें भविष्य में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो साथियों, आपने सुप्रीम कोर्ट के मैटर में भी इस चीज को सुना होगा कि कोई भी विवाह यदि विधिवत रस्मों रिवाज के साथ नहीं होता है और उस मैटर में यदि कोई सर्टिफिकेट जारी भी हो जाता है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, वह शून्य होगा। और यदि आप आर्य समाज का विवाह कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आपको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो रिलेटेड मैरिज रजिस्ट्रार है, उसका सर्टिफिकेशन आपको लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि उस सर्टिफिकेशन के बिना आपका कोई भी काम नहीं होगा। आज की तारीख में आर्य मैरिज से संबंधित सर्टिफिकेट को कई मामलों में संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ तक कि पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन, सैन्य डिपार्टमेंट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ले लो, वहाँ आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की कोई भी वर्थ नहीं होती है। इसीलिए हम प्रत्येक युवा कपल को ये सलाह देते हैं कि आप आर्य समाज से विवाह करने का न सोचते हुए आप एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के बारे में सोचें। और कोई भी जेन्युइन मैरिज काउंसलर होते हैं, लीगल काउंसलर होते हैं, एडवोकेट या लॉयर्स होते हैं, कभी भी आपको ये सलाह नहीं देते हैं कि आप आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाए। तो साथियों, कोर्ट मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है और उस महत्वपूर्ण फैसले में आपको सोचना है कि आपके लिए बेटर क्या है। आपको एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज परफेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ, परफेक्ट प्रोसेस के साथ, ऐसे लीगल मैरिज काउंसलर के माध्यम से करनी चाहिए जो कि उसका परफेक्ट नॉलेज रखता हो और आपको सभी प्रकार के व्यवधान से बचाता भी हो। क्योंकि साथियों, एक बार यदि आपने लीगल कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती रखी है, आपने कोई एफिडेविट में गलती रखी है या आपके सर्टिफिकेशन में कोई गलती हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए आपको एडी से चोटी का पसीना आ जाएगा। तो साथियों, लीगल मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे लीगल काउंसलर की सलाह लें, चाहे जरूरत पड़े फोन पर बात करें, उनको कंसल्टेंसी फी पे करें, उनके ऑफिस जाकर व्यक्तिगत मीटिंग करें। यदि जिलों के शहर उदयपुर राजस्थान के अंदर यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते और कोई कानूनी सलाह लेना चाहते तो निश्चित रूप से डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।